नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल. सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन शेल और स्फेयर ही है. अगर आपने अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स को देखा होगा जगह जगह स्फेयर 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 बने दिखे होंगे आपको, और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने कभी भी शेल और स्फेयर की बात पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं की. हमने ई निकालना तो सीखा पर ई के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, आपको वी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये क्या है? एक शेल. आपने याद है फ्लक्स में एप्लीकेशन की थी, आज आप याद भी करके आए होंगे, आपका टेस्ट भी मैंने डाला भी है. तो शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी निकालने, शेल के सरफेस के बाहर, शेल के सरफेस के ऊपर, शेल के अंदर, याद है? तो ई हमने निकाला था, ई हमने बाहर कितना निकाला था, 1/4πε0Q/r², डन, क्लियर है? आपको क्या निकालना है ई देखते हुए? वी. तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो, लिखो ई इज इक्वल टू -dV/dr, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई की वैल्यू को यहां पुट करो और इंटीग्रेट कर दो. अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसी लगेंगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो. अच्छा ऐसे करते हैं, चलो हमने क्या निकालना है? वी. हम लिमिट क्या लगाएंगे? जीरो से वी. क्यों? क्योंकि 1dV की जीरो से वी इंटीग्रेशन का आंसर होगा वी. तो ये बताओ कि जब पोटेंशियल जीरो है, यहां इंटीग्रेशन डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हुआ करता था? जीरो, राइट? और जब डिस्टेंस आर है, जब डिस्टेंस आर है, तो यहां पोटेंशियल कितना है? वी. तो आपको लिमिट लगानी आ रही है, यहां पर लिमिट लगेगी जीरो से वी. तो जीरो पोटेंशियल कहां पर है जब डिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी. और वी पोटेंशियल कहां पर है जहां डिस्टेंस कितना है? आर. कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो 1dV की इंटीग्रेशन वी, कांस्टेंट बाहर आ गए, आर की पावर -2 की इंटीग्रेशन, तो नॉर्मल इंटीग्रेशंस हैं, तो क्या होगी? आर की पावर -1/-1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. आर की पावर -1 की इंटीग्रेशन क्या है? 1/r, इंफिनिटी से आर, एक बार आर एक बार इंफिनिटी, 1/∞ क्या है? जीरो. तो आंसर क्या बढ़िया आंसर आया है, क्या सही फॉर्मूला आया है, 1/4πε0Q/r. तो यानी कि एक शेल, एक शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0Q/r. आसान हो गया फॉर्मूला? कोई डाउट इसमें? तो शेल का, शेल के अगर कोई पॉइंट बाहर है, हमें ई भी आ गया और हमें वी भी आ गया. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ई भी आ गया और वी भी आ गया. नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आ जाएं. सरफेस के ऊपर अगर आपको वी निकालना है, तो सरफेस पे जाने के लिए छोटे आर को क्या पुट करें? कैपिटल आर. व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे. तो एक काम करें, स्मॉल आर को पुट करें कैपिटल आर, तो नेक्स्ट फॉर्मूला, वी कहां पर आ गया? ऑन सरफेस. तो वी आ गया कहां पर? शेल के बाहर. वी कहां पर आ गया? सरफेस पे. याद रहेगा फॉर्मूला, रजिस्टर में लिखना है आपने, शेल बना बना के. बाहर फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस पे फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर है? नेक्स्ट शेल के इनसाइड, शेल के इनसाइड ई क्या हुआ करता था? जीरो. और ई क्या होता है? -dV/dr. तो अगर ई क्या है? जीरो, तो वी क्या रहा होगा? कांस्टेंट. पता है कितना कांस्टेंट? जितना उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल है. सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0Q/R. और शेल के अंदर पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0Q/R. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया, लो रिजल्ट को बना दिया यहां पे, जो हमने किया उसको कंपाइल कर दिया इकट्ठा, ठीक. तो ये एक शेल है, बाहर वी का ये फॉर्मूला किया हमने, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला, सरफेस के कोई भी पॉइंट अगर अंदर है, तो ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम. कोई डाउट इसमें? तो अगर आप किसी भी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी निकालते हो, जो मर्जी पॉइंट ले लो, वी जहां मर्जी निकाल लो, आंसर विल बी सेम. सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी की वैल्यू विल रिमेन सेम. कोई डाउट इसमें? वी कॉन्स्टेंट है, अगर वी कॉन्स्टेंट होगा तभी तो ई जीरो होगा. देखो ना, यहां से कॉन्स्टेंट चलना स्टार्ट हो जाता है. जैसे यहां पर वी है, तो अंदर भी वी रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब यहां पे वी माइनस वी करोगे,
तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगी, तो ऑब्वियसली ई भी क्या आएगा वहां पर, फिर जीरो आएगा। तो मतलब सरफेस के बाहर बाहर चेंज होता है, अंदर आना कॉन्स्टेंट हो जाता है, ताकि ई की वैल्यू क्या आए, हमेशा जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कोई न्यूमेरिकल सिग्मा की फॉर्म में गिवन होगा, क्योंकि शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, याद है हमने ई वी किया था इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, अब हम वी भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद है, चार्ज है कितना इस सरफेस के ऊपर, चार्ज निकाला जा सकता है कैसे, चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू कितने एरिया के ऊपर चार्ज है, इतने एरिया के ऊपर चार्ज है, और ये एरिया है कितना, 4πr2। ये एरिया कितना है, 4πr, तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू 4πR2। क्या पॉइंट क्लियर है, क्योंकि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहीं पर ना, और तो कहीं है भी नहीं, ये रहा चार्ज, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे आंसर। मेरे को पर्सनली ये फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को ये याद है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल सिग्मा में आ जाता है, फिर मैं फटाफट एक लाइन लिख लेता हूं, क्यू को सिग्मा इंटू 4πR2, फिर मैं ये बन जाता है मेरे से। आप याद कर सकते हो, रजिस्टर में नोट कर लेना, याद हो गया ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही है। सिमिलरली यहां पर भी चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एरिया, ये आंसर, राइट। सिमिलरली यहां पर भी चार्ज, वो तो सेम आएगा, जो ये आंसर, ये आंसर सेम है। तो वी क्लियर हो गया, तो अब हमें शेल के ऊपर 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ई के 3 फॉर्मूलाज, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर। वी के 3 फॉर्मूलाज, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर, तो 6 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसमें। बोलो कर सकते हैं, ठीक है यहां तक? पर यार मैं अगर ऐसा बोलूंगा ना, लोग चिढ़ जाएंगे, कहेंगे यार मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 करता रहता है, यार एक आसान मेथड करा दो, हम तो वही ठीक है, इतने मेथड भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे ना, पहले 2 से लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है यहां तक? तो ये ग्राफ आता है पेपर में, बहुत आता है, मेंस नीट एनसीईआरटी किसी में भी आ जाएगा, क्या वी के रिजल्ट आ सकते हैं? वी देखो एनसीईआरटी ये तो कहेगी ना, शेल का मैं ई तो दे दूंगी, वी नहीं दूंगी, तो वी भी दे देगी, यार क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये वी और आर है, तो आपको ये पता है कि जब तक आप शेल के अंदर हो, टिल कैपिटल आर, तो वी की वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट, कितनी, 1/4πε0Q/R, क्लियर है? लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हो, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ग्राफ याद रहेगा, आपको याद है हमने ई का भी ग्राफ किया था, ई का ग्राफ तो स्टार्ट नहीं होता था यहां पे, क्योंकि ई अंदर जीरो होता था। अब ये आपको याद करना है, ई आपको ग्राफ पूछा जाएगा, तो देखो आप ही को याद करना है, मैं तो बता चुका, वही तो बोल रहा हूँ कि इकट्ठे तो आप ही नहीं करना है टेस्ट, और कोई तरीका ही नहीं है। वी भी क्लियर है? अब चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, लिख लेना या सॉलिड रहना रहेगा, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर में तो खाली भी हो सकता है ना, तो सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग लिख लेना।